नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मावली मारवाड़ गेज कन्वर्जन के अंतर्गत देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा तक का 82.54 किलोमीटर का गेज कन्वर्जन कार्य 18 नवंबर 2022 को रेलवे बोर्ड के द्वारा अप्रूव किया जा चुका है और उस पर कार्यवाही बजट में फंड प्राप्ति होने के पश्चात की जाएगी, ऐसा राजेंद्र जी जैन के द्वारा दाखिल की गई RTI के जवाब में प्राप्त उत्तर में मिला है। 968.92 करोड़ की लागत से यह गेज कन्वर्जन का कार्य नाथ द्वारा से देवगढ़ मदारिया के बीच में किया जाना है। इसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा लंबे समय से इस बारे में कहा जा रहा है कि जल्दी ही रेल मंत्री जी के द्वारा इस कार्यक्रम जो इस परियोजना के कार्यक्रम का भूमि पूजन किया जाएगा, लेकिन अभी तक यह कार्य नहीं हो पाया है। इससे जनता में इस कार्य के प्रति उत्सुकता बढ़ती जा रही है। खैर, जल्दी ही बजट का सत्र भी आने वाला है और उम्मीद कर सकते हैं कि इस परियोजना के लिए पर्याप्त बजट पहली बार में प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि इस परियोजना को आने वाले समय में विद्युतीकृत लाइन के रूप में बनाया जाना है, तो वह कार्य भी इसके साथ नहीं चले। वहीं जो मेवाड़ रेल विकास परिषद के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित किए गए पत्र में इस गेज कन्वर्जन कार्य को विद्युतीकरण के साथ में किया जा रहा है, इसके जल्द से जल्द शिलान्यास और मिशन गतिशक्ति परियोजना में शामिल करने का आग्रह उनके द्वारा किया गया है। मावली मारवाड़ जंक्शन रेल लाइन के गेज कन्वर्जन को लेकर काफ़ी लंबे समय से मांग क्षेत्रवासी कर रहे हैं। लंबे समय से पत्र विहार और विभिन्न आंदोलन क्षेत्र में इस हेतु चलाएगा। इसके बावजूद 2017-18 में पास होने के पश्चात भी इस परियोजना पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी और 2019 में तो इस परियोजना को फ्रीज भी कर दिया गया था और तीसरी बार इस परियोजना का कार्य आगे बढ़ते बढ़ते रह गया। वहीं इस बारे में मार्च 2022 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस परियोजना को डीफ्रिज करने की घोषणा की थी तथा इसकी DPR उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा बनाई गई फिर से और वह जुलाई में सबमिट कर दी गई, जो कि अब सामने आ गई है और इसको अप्रूव करने के पश्चात में इस हिस्से का गेज कन्वर्जन कार्य इस वर्ष शुरू होने की पूरी उम्मीद बंधी है। वहीं देवगढ़ मदारिया से बार वाया लसानी ताल भीम और जवाजा जो रेलवे लाइन बनाई जानी है उसका भी मंजूरी करने की मांग मेवाड़ रेल विकास परिषद के द्वारा की गई है। वहीं जो मारवाड़ से देवगढ़ मदारिया तक का सेक्शन बचेगा उसको मीटर गेज के रूप में ही यथावत रखने तथा हेरिटेज लाइन घोषित कर जल्द से जल्द इस पर हेरिटेज ट्रेन और विस्टाडोम कोच के साथ में ट्रेन सैलानियों के लिए चलाने की मांग भी की गई है। और लंबे समय से राजस्थान टूरिज्म विकास बोर्ड इसके लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन सहमति नहीं बन पाने की वजह से इस ट्रेन का संचालन अभी फिलहाल में शुरू नहीं हो पाया है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जब गेज कन्वर्जन के कारण यह सेक्शन बंद किया जाएगा, उस स्थिति में मारवाड़ जंक्शन से लगा के जो हिस्सा हेरिटेज लाइन बनाने के लिए संरक्षित किया जाना है उस पर कार्यवाही आने वाले समय में की जा सकेगी। तो आने वाले बजट से काफ़ी उम्मीद क्षेत्रवासियों को है कि इस परियोजना के लिए पर्याप्त बजट की आपूर्ति केंद्र शासन करेगा और इसकी काफ़ी उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि इस परियोजना को अब रेलवे बोर्ड के द्वारा सैंक्शन भी कर दिया गया है। तो हमें पूरी तरह से अब जो फरवरी के पहले हफ्ते में बजट आए उसका इंतजार करना होगा। इसलिए इस परियोजना की और अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूले। आप सभी का धन्यवाद।